बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गाइस, हम लास्ट वीडियो में 2.6 के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, तो इस वाले एक्सरसाइज में 2.7 स्टार्ट कर रहे हैं। इस क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। आप लोगों का भी बात रट जानी चाहिए बिल्कुल कि 8 किसके क्यूब में आता है और 36 किसके स्क्वायर में आता है। तो 2 को हम 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आता है। बराए मेहरबानी 2 को 3 से मल्टीप्लाई मत कर देना, गलत हो जाएगा। और 36 आता है 6 का स्क्वायर, 6 6 36। अब पावर जैसी आ गई, हाफ 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 2 और 6 बचा जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका आंसर आ जाएगा 12। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। सिक्सटी फोर अ पावर में है -1/6। अगर आप लोगों को ओरली नहीं पता 64 के लिए क्या पावर बनेगी, तो आप एलसीएम लीजिए। 2 3 6 2 2 4, 2 1 2 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 की पावर बन रही है 6। इस 6 से कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर -1। आप इसको आंसर के तौर पे लिख सकते नहीं है, उसकी वजह क्या है कि पावर माइनस में, पावर को प्लस में लेके आना है। अपॉन में ले आओ तो पावर प्लस में हो जाएगी, +1 लिखना जरूरी नहीं है, 1/2 हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है बुक का 256। ये क्वेश्चन है, ये ओरली याद नहीं है, एलसीएम लीजिए। 2 1 2 2 2 4, 2 8 16, 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 16, 2 8, 2 4, 2 2 और 2 1। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 की पावर बन रही है 8। ये पावर दोनों पे अप्लाई होगी। ये कैंसिल हो जाएगा, 2 4 8, तो ये आया 2 की पावर 4 और ये एक्स। 2 की पावर 4 का मतलब ये है कि 2 को 4 दफा मल्टीप्लाई करना है। 2 2 4 4 2 8 8 2 16, तो ये हो जाएगा 16/x आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं इसका, ये वाला। एटी वन रट जाना चाहिए आपको, आपकी 3 की पावर 4 होती है तो 81 बनता है, बाकी ऐसे लिखेंगे। एक बार तसल्ली भी कर लो। 3 9 9 3 27 और 27 3, देखो 81 आ गया। पावर सब पे अप्लाई हो रही है। पावर कैंसिल, 4 2 8, ये बचा 3, एक्स की पावर -2 और जेड। ये एक्स माइनस में है, प्लस में लेके आ जाओ, यानी कैसे लेके आओगे, अपॉन में कर लो, प्लस में आ जाएगा। ये हो गया आपका आंसर।